गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट टुडे वी विल रीड चैप्टर 5 इन इंग्लिश ओके लेट्स सी सिस्टर प्लीज होल्ड माई हैंड यानी कि सिस्टर मीन दीदी या बहन प्लीज मेरा हाथ पकड़ लीजिए ठीक है यहाँ पर एक पोयम है ये देखिए ठीक है इसमें ये एल्डर सिस्टर है ये यंगर सिस्टर है एल्डर मीन होता बड़ा और यंगर मीन छोटी बहन ठीक है तो ये जो छोटी बहन है ना ये बोल रही है कि प्लीज सिस्टर मेरा हाथ पकड़ दो आप जहाँ भी जाते हो कहीं भी अर्थ में लैंड में यानी कि जमीन पर या पृथ्वी पर कहीं भी किसी भी जगह कैसे भी मौसम में आप जाते हो तो प्लीज मुझे साथ लेकर चलिए और मेरा हाथ पकड़ लीजिए ठीक है मुझे लेकर जाइए ओके और गॉड हमें क्या रखेगा हमें से खुश रखेगा अगर हम साथ साथ चलेंगे तो हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ओके चलिए लेट्स सी न्यू वर्ड्स हम न्यू वर्ड्स देखते हैं जर्नी मीन यात्रा ठीक है यानी कि जहाँ भी जाएंगे मैटर मीन कोई बात बिकॉज मीन क्योंकि अर्थ मीन पृथ्वी सीजन मीन मौसम थ्रू मीन द्वारा ठीक है स्ट्रेंथ मीन पावर विदाउट मीन के बिना ठीक है देखिए सिस्टर प्लीज होल्ड माई हैंड एज वी जर्नी थ्रू दिस लैंड टुगेदर वी स्टैंड टुगेदर वी विल फॉल नो मैटर व्हाट गॉड विल कीप अस टुगेदर दैट विल बी द बेस्ट ऑफ ऑल यानी कि सिस्टर प्लीज मेरे हाथ पकड़ लीजिए हम जहाँ भी जर्नी करते हैं यानी कि जमीन पर यानी कि लैंड में या फिर धरती पर हम जहाँ भी जर्नी करते हैं आप मेरे को साथ में ले जाइए हम साथ साथ चलेंगे ठीक है अगर हम खड़े होंगे तो भी हम साथ खड़े होंगे अगर फॉल में गिरेंगे तब भी हम साथ गिरेंगे ओके कोई बात नहीं गॉड विल कीप अस टुगेदर हमें गॉड जो है हमेशा क्या करेंगे एक साथ रखेंगे ठीक है और यही हम सबके लिए अच्छा है सिस्टर प्लीज होल्ड माई हैंड बिकॉज विदाउट यू आई कांट स्टैंड फॉर वी वर पुट ऑन दिस अर्थ फॉर अ रीजन टू गो थ्रू एवरी गुड एंड बैड सीजन यानी कि अगर हम इस पृथ्वी पर किसी भी कारण से जाते हैं इधर उधर जाते हैं ठीक है तो क्या करना है हमें साथ जाना है मैं आपके बिना नहीं जा सकती ना खड़ी हो सकती मतलब ना जा सकती किसके बिना सिस्टर के बिना ठीक है और अगर हम किसी भी मौसम में गुड वाला सीजन हो या फिर बैड वाला सीजन हो अगर हम उसमें साथ जाएंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा ठीक है मैं आपके साथ ही जाऊंगी चाहे मौसम कैसा भी हो सिस्टर प्लीज होल्ड माई हैंड एज अवर स्ट्रेंथ टुगेदर बिल्ड्स ईच अदर टू बिकम स्ट्रॉन्ग सो दैट अवर लव फॉर ईच अदर विल लास्ट लॉन्ग मीन्स सिस्टर प्लीज मेरा हाथ पकड़ लीजिए या मेरे को भी लेकर जाइए एज अवर स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ मीन होता है पावर ठीक है पावर मीन शक्ति टुगेदर मीन एक साथ बिल्ड मीन होता है बनाना किसी चीज को बनाना बिल्ड ईच अदर मीन एक दूसरे के लिए ठीक है बिकम मीन बनाना स्ट्रॉन्ग या होना ठीक है सो दैट अवर लव फॉर ईच अदर विल लास्ट लॉन्ग अगर हम एक दूसरे को साथ चलेंगे ठीक है तो क्या होगा हमारी जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ेगी ठीक है हमारी पावर बढ़ेगी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और हम मजबूत बनेंगे एकदम है ना अगर हम साथ चलेंगे तो मजबूत बनेंगे ठीक है अगर एक फैमिली होती है ठीक है जो फैमिली है अगर उसमें कोई भी वर्क सारे मिलकर करते हैं तो क्या होता है कि वर्क तो जल्दी हो ही जाता है बट उनके उसमें क्या होता है उनका उसमें स्नेह भी बढ़ता है ठीक है घर में फैमिली में स्नेह भी बढ़ता है और उनकी शक्ति भी बढ़ती है ठीक है उनको कोई भी
तोड़ नहीं सकता कि कोई भी उनके बीच में कुछ दरार नहीं डाल सकता, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, उनकी स्ट्रेंथ, उनके पास स्ट्रेंथ भी है और वो टुगेदर में एक साथ भी रहते हैं, ठीक है, और वो स्ट्रांग भी है क्योंकि एक फैमिली है। वैसे ही मैं आपके साथ चलूँगी, तभी हम, हमारा जो स्नेह है वह लॉन्ग लास्टिंग यानी कि लंबे समय तक बना रहेगा। ओके, एक बार इसको और रीड आउट कर लेंगे। सिस्टर प्लीज होल्ड माई हैंड एज वी जर्नी थ्रू दिस लैंड, टुगेदर वी स्टैंड, टुगेदर वी विल फॉल, नो मैटर वॉट गॉड विल कीप अस टुगेदर, दैट विल बी द बेस्ट ऑफ ऑल। सिस्टर प्लीज होल्ड माई हैंड बिकॉज विदाउट यू आई कांट स्टैंड, फॉर वी वर पुट ऑन दिस अर्थ फॉर रीजन टू गो थ्रू एवरी गुड एंड बैड सीजन। सिस्टर प्लीज होल्ड माई हैंड एज अवर स्ट्रेंथ टूगेदर बिल्ड्स ईच अदर टू बिकम स्ट्रॉन्ग, so that our love for each other will last long, okay? ठीक है, इसको रीड आउट करना है आपने भी। यहाँ देखिए words, what they mean, इनका मतलब क्या है। hold mean होता है पकड़ना या carry, ठीक है। reason mean cause, wills mean make यानी कि बनाना, last long mean लंबे समय तक, exist for a long period of time यानी कि लंबे समय तक। आप सबको इसको रीड आउट करना है एंड इसको समझना भी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।